आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का डाइल्यूट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं और दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है। जब हम किसी भी लिक्विड में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट में प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का में के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट और दो सॉल्यूशन हमने ले लिया अलग अलग कंसंट्रेशन के, उसमें उनके फ्रीजिंग पॉइंट को हमने कंपेयर किया किससे? वेपर प्रेशर से। तो देखो हमें एक ग्राफ मिला जिस जो हमने प्लॉट किया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है और जो प्योर सॉल्वेंट है प्योर लिक्विड जो हम कह रहे हैं इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF वो ज़्यादा है। जैसे ही हमने उससे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हुआ और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हुआ। दूसरा सॉल्यूशन हमने सॉल्यूशन टू लिया है जिसका कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन वन से ज़्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सबसे कम से मतलब है सॉल्यूशन वन और लिक्विड सॉल्वेंट से, और इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। अब अगर यदि हम कंपेयर करें फॉर बहुत वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम कंसिडर करें तो हम देखते हैं कि जेड ई मतलब जैसे हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जेड ई अपॉन जे वाई डी वाई जेड ई मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू एंड वाई वाई डी। तो यहाँ पे देखिए वाई डी मतलब वाई और ये डी सॉल्यूशन वन का। तो हम इसको जब कंपेयर करेंगे यानी इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू एक्स ई अपॉन एक्स टी यानी कि TF माइनस टी टू अपॉन TF माइनस टी वन दूसरे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस है वो और अपॉन पहले वाले सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है इज इक्वल टू पी पी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पी वन वेपर प्रेशर पी टू वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन अपॉन पी माइनस पी वन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वन यानी कि डेल्टा टी टू अपॉन डेल्टा टी वन अपॉन डेल्टा पी टू अपॉन डेल्टा पी वन। अब डेल्टा टी टू और डेल्टा टी वन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। और डेल्टा पी और डेल्टा पी वन और पी टू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेपर प्रेशर को। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी यानी कि जो कि वेपर प्रेशर में डिफरेंस है उसके बराबर। अब यदि हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को राउल्ट्स लॉस अप्लाई करें इस पर तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू एन अपॉन कैपिटल एन। एन हमको पता है स्मॉल एन के कौन किसके मोल होते हैं सॉल्यूट के, तो ये डब्ल्यू अपॉन एम अपॉन कैपिटल एन किसका किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट के। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी एफ, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के, के यहाँ पे कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो यानी कि टी एफ इज इक्वल टू के पी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे की कॉन्स्ट के कॉन्स्टेंट है प्योर सॉल्वेंट के लिए सो दे कैन बी इक्वलाइज टू ए कॉन्स्टेंट के यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के पी भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे एम भी कॉन्स्टेंट है और के तो कॉन्स्टेंट है ही से, इस तीनों को मिलाकर हमने के लिख दिया जो कि तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू वेयर के इज कॉन्स्टेंट नॉन एज डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ अब जो के आएगा उसे हम बोलेंगे डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। यदि हम एन बराबर वन और डब्ल्यू बराबर वन ग्राम रखते तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के मतलब डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेंट्स वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन ए वन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही मतलब हुआ कि यदि हम एक मोल सॉल्यूट को एक ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है वही उसके
डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल होता है, पर चूंकि 1 ग्राम 1 मोल सॉलिड को 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करना मुश्किल होता है, इसलिए हम 1 ग्राम की जगह 1000 ग्राम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन 1000, और अब हम इसको बोलेंगे के एफ, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वन वन मोल ऑफ सॉलिड इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब के एफ और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि एल एफ में क्या रिलेशन है, इसको हम थर्मोडायनामिक वांट ऑफ इक्वेशन से निकालते हैं। जैसे के एफ इज इक्वल टू होता है आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। एल एफ है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर, इसमें हम आर की वैल्यू पुट कर दें तो 0.002 कैलोरी पर मोल होता है। तो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू रख दे और एल एफ की रख दे 80 कैलोरी, टी एफ रख दे 273 केल्विन, तो इनकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास के एफ की वैल्यू आएगी 1.856। द वैल्यू ऑफ के में आल्सो भी रिटर्न है, यानी के एफ को हम और कैसे लिख सकते हैं, एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच एफ। एच एफ क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, और एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से हम मॉलिकुलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, सॉल्यूट का। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। तो इसमें अगर हम स्मॉल एम क्या है, यहाँ पे स्मॉल एम है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इससे हम मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी इस इक्वेशन से यानी कि 84 इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ का हम थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन भी कर सकते हैं। हमें पता है कि टी एफ जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। टी वन हमने ले लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोई भी सॉल्यूशन, हमने मान ला कि पी वन सॉल्यूशन है उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अब वेपर प्रेशर फॉर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मान लिया हमने पी और पी वन है रेस्पेक्टिवली। अब हम क्या करते हैं कि वही ग्राफ प्लॉट किया जो हमने स्टार्टिंग में प्लॉट किया था। थर्मोडायनेमिकली क्लेशियस कैपरोन इक्वेशन से हमें पता है कि एल एन पी अपॉन पी वन इज इक्वल टू माइनस एल एस अपॉन आर ब्रैकेट में 1/TF माइनस 1/T1। इसको फाइनली जब हमने कैलकुलेट किया इस इक्वेशन को तो हमारे पास आया एल एन पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एल एफ आर इंटू डेल्टा टी एफ अपॉन T1 TF को हम TF स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। तो अब जो P अपॉन PS किसके बराबर हो जाएगा, इसको जब अपने फाइनली एल एन पी अपॉन PS को जब कैलकुलेट किया तो ये आ गया P माइनस पी एस अपॉन पी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एल एन पी अपॉन PS किसके बराबर हो जाएगा, P माइनस PS अपॉन पी के। अब राउल्ट्स लॉ के क्या कहता है कि पी माइनस पी एस पी इज इक्वल टू होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया था। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रखें 87 नंबर इक्वेशन में रखें तो हमारे पास आ जाएगा एल एफ डेल्टा टी एफ अपॉन आर टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ पे हमने एन और कैपिटल एन की वैल्यू रख दी तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू बाई एम। तो इससे हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर टी एफ स्क्वायर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एल एफ एम डब्ल्यू। इफ वन मोल, यदि हम 1 मोल की बात करें तो उसके लिए डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इजिकल टू 1 हो जाएगा ऑफ सॉल्यूट इट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, यानी कि एक के जी ऑफ सॉल्वेंट में। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ इजिकल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, यानी कि डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इजिकल टू के एफ इजिकल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, यानी कि डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो जाएगा के एफ इंटू मोलेलिटी। ये सब मोलेलिटी के बराबर ही है, हमने के एफ किसके बराबर होता है उसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो हमारे पास मोलेलिटी की वैल्यू आ गई।
यानी कि हम के एफ को यदि मोलिलिटी स्मॉल एम से इंटू कर दे तो हमारे पास डेल्टा टी एफ आ जाएगा। यानी कि हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए यदि हम डेल्टा एम उसकी मोलिलिटी कैलकुलेट कर ले और हमें के एफ पता हो तो हम उसके लिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। अब डिप्रेशन ऑफ सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट हम किस किस तरीके से इस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके दो मेथड है, एक तो है बैकमान मेथड, दूसरा है रास्ट कैम्फर मेथड। बैकमान मेथड में क्या होता है कि हम एक ट्यूब लेते हैं जिसमें कि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है और ये आउटर ट्यूब से घिरी हुई है। यहाँ पे ट्यूब ए है जिसमें कि बैकमान थर्मामीटर लगा हुआ है और एक स्टीरर लगा हुआ है और उसमें एक साइड ट्यूब है सॉल्वेंट और सॉल्यूट डालने के लिए, और आउटर ट्यूब है जो मैं ये ब्लैंक दिख रही है इसमें इसे ये फिटेड है। अब जो हमने ट्यूब ली है ए ट्यूब ली है उसमें हमने प्योर सॉल्वेंट डाल दिया है और इस कंप्लीट जो आउटर ट्यूब है इसको हमने फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दिया है। फ्रीजिंग मिक्सचर में रखने से क्या होगा कि जो इसको स्टीर करते रहेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जबकि ये ओवर कूल हो जाएगा, है ना, सॉलिड हो जाएगा, तो ओवर कूल हो जाएगा और फिर ऐसा सॉल्यूशन ऐसा वो आएगा टेम्परेचर आएगा जब इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगा, किसके, प्योर सॉल्वेंट के। वो टेम्परेचर हमने नोट कर लेना है। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसी ट्यूब को गर्म करेंगे ताकि जो सॉल्वेंट जो फ्रीज हो गया था वो मेल्ट हो जाए। जब मेल्ट हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, साइड ट्यूब है इसमें से सॉलिड इस कितने जितने भी ग्राम हमको ऐड करना है वो हमें ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे स्टीरर से और फिर इसको फ्रीजिंग मिक्सचर के जो बीकर है उसमें रख देंगे। अगेन हम ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर नोट कर लेंगे जब जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूशन का, और इन दोनों में डिफरेंस करके हम डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे। दूसरा मेथड है रास्ट कैम्फर मेथड। रास्ट कैम्फर मेथड में क्या होता है, रास्ट कैम्फर मेथड में क्या होता है कि हम एज ए सॉल्वेंट कैम्फर को काम में लेते हैं। इसके क्या एडवांटेज है कि जो कैम्फर का के एफ होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ की वैल्यू जो होती है वो पानी से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 30 टाइम्स ज़्यादा होती है। ये होती है 37.7 और पानी का तो मात्र होता है 1.86। तो एक तो इसलिए काम में लेते हैं, दूसरा जो हमारे पास जो जो डिफरेंस आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा होगा तो रिकॉर्ड करने में और हमारे डाटास को कैलकुलेट करने में काफ़ी इजी होगा और एक्यूरेसी भी आएगी, इसलिए हम कैम्फर काम में लेते हैं। तो कैम्फर में हम जिस भी सॉल्यूट का मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं उसको मिक्स करके पहले पीस लेते हैं मोटर में और उसको गर्म करते हैं साथ में ताकि पहले वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद अच्छे से फाइनली उसको पीसते हैं, फाइनली पार्टिकल हो जाते हैं। उसके बाद हम उसको कैपिलरी में भर के जो अपना एपरेटस होता है उससे हम इसका मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं और ऐसे कर हम दो तीन मिक्सचर ऐसे बना लेते हैं और फाइनली हम इक्वेशन से जो हमने अर्लियर हमने निकाली है इक्वेशन उससे हम डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं पहले अलग अलग सॉल्यूशन के लिए और डेल्टा टी एफ और के एफ की वैल्यू पुट करके हम किसी भी सॉल्यूट के लिए उसका मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं।